हेलो गाइस, मैं प्रियंका हूँ। तो मुझे किसी ने एक मैसेज किया है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। प्रियंका दी, क्या एक्टर बनना बहुत मुश्किल है? मुझे करना है अपनी माँ के लिए, मुझे बहुत पैसे कमाना है, अपनी माँ का इलाज बहुत बड़े हॉस्पिटल में करवाना है, मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मुझे कुछ गलत ना हो इसीलिए आपसे पूछना है कि दी आप मुझे थोड़ा सा भी आइडिया दे सकें तो प्लीज़ दें। तो एक्टर बनना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सी, इट रिक्वायर्स अ लिटल बिट ऑफ यू नो मोटिवेशन। देखो, एक्टर बनना किसी भी दूसरे गोल की ही तरह बहुत इम्पॉर्टेंट होना चाहिए आपकी लाइफ में, करेक्ट? आप उसको विजुअलाइज कर सकें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सोच पा रहे हैं कि आप एक दिन एक्टर बन सकते हैं, अगर आप अपने आप को वैसा बना हुआ देख पा रहे हैं, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है इस दुनिया में। जिस भी चीज़ पे हम अपना दिमाग और मन लगा दें और पूरी मेहनत के साथ उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करें ना, तो कुछ भी पॉसिबल है। बस ये ज़रूरी है कि आपका तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए उसके लिए। आपके पास पूरी तरह से प्रिपरेशन होनी चाहिए एक एक्टर बनने के लिए या किसी भी फील्ड में जाने के लिए। एक एक्टर बनने के लिए ज़रूरी है कि अगर अभी आप छोटे हैं, लाइक अभी भी आप स्कूल में हैं, तो मे बी अभी आपको ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करें। आपको ये ज़रूरी है कि आप अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग तरह की कलाएं, जो कि एक एक्टर की लाइफ में ज़रूरी होती है, वो आप सीखते रहें। क्योंकि कंटिन्यूस अगर अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है विथ योर स्टडीज़, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। कुछ एक्टिविटीज़, कुछ कलाएं, जैसे कि डांस सीख सकते हैं आप, अलग अलग किस्म के डांस सीख सकते हैं। देन आप गाना सीख सकते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन आता है गाने से। अपने आप वीडियो बनाने की कोशिश कर सकते हैं, अपने आप से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ छोटे थिएटर्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कुछ इस तरह का फंक्शन हो रहा है, क्यों नहीं एक ऑर्गेनाइज करते हैं आप एक प्ले, एक ड्रामा, और उसमें सबको सिखाइए। क्योंकि जब हम सिखाते हैं तो बहुत कुछ हम खुद भी सीखते हैं। तो इस तरह से कुछ करिए। अगर आपके स्कूल में कोई प्ले हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करिए। अगर आप इतने बड़े हैं कि आपकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, तो अब आपको अपनी कलाओं को अच्छी तरह से मजबूती उसमें बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी पढ़ाई हो गई है, अब आपको कॉन्सेंट्रेट करना है आपके इस गोल के ऊपर। बहुत अच्छे ड्रामा स्कूल्स हैं इंडिया में, बहुत बड़े बड़े थिएटर ग्रुप्स हैं इस दुनिया में, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अपनी कला को और अच्छी तरह से सीखें। फाइट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे वो आपको किस तरह से एक मूवी में या एक सीरियल में किस तरह से आपको फाइट करनी है वो सिखाते हैं। अलग अलग तरह के लहजे सिखाते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाई जाती हैं। आप इस तरह के डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं। Then gradually start going to people who will provide you this job, like managers होते हैं बहुत सारे, जो कि channel के लिए auditions organize करते हैं। तो you can go to those। आप जहाँ भी auditions का आ रहा है, आप वहाँ जाके apply करिए। पर आपका, आपकी जो कला है वो पूरी तरह से अच्छे से आपके मुट्ठी में होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं है ना, तो कोई भी आपके हाथ में चीज़ें नहीं देता। हर चीज़ के लिए मेहनत लगती है, बहुत बहुत मेहनत लगती है। और अगर आपने ठान लिया है, तो आप ये ज़रूर कर सकते हो। इसकी कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में। और बिलीफ, अगर आप बिलीव कर रहे हो कि ये मैं कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप जो भी स्टेप्स ले सकें उसके, उस गोल के करीब पहुँचने के लिए, वो लीजिए। अपने पास इतना अच्छा रिज्यूमे बनाइए कि कोई आपको रिजेक्ट कर ही ना पाए आपके गोल तक आपको पहुंचने के पहले। कुछ ऐसा करो। तो अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं, जो कि आप शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहें, तो प्लीज़ मुझे लिख के भेजिए। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे लिख सकते हैं और यूट्यूब पे भी लिख सकते हैं। तो अंटिल वी मीट अगेन, बाय, टेक केयर, नमस्ते।